तो आज पांचवें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। गोंडा सदर सीट पर दो सियासी घरानों के बीच टक्कर है। पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह सपा प्रत्याशी हैं, उनसे बात की है हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। हमारे साथ गोंडा सदर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंडित सूरज सिंह हैं। इन पर जिम्मेदारी है अपनी सियासत की विरासत को संभालने की। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, किस तरह प्रचार कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं, सीधे बात करते हैं। सूरज जी, सबसे पहला सवाल कि प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत धुआंधार प्रचार है, शानदार प्रचार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं शायद 24 घंटे में 2 घंटा सो भी लेता हूं। मेरे कार्यकर्ता 1 मिनट भी सोना नहीं पसंद कर रहे हैं और 5 बजे सवेरे हमारे घर पे आकर हमको जगाना शुरू कर देते हैं। जिम्मेदारी बड़ी है आपके पास, सियासत की विरासत को आपने संभालने की जिम्मेदारी है। पंडित सिंह की जो विरासत है उसको आप किस तरीके से आगे ले जाने काम कर रहे हैं? देखिए, मंत्री जी ऐसा व्यक्तित्व थे कि शायद इस जनपद नहीं, मंडल नहीं, प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है। मैंने देखा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पिता थे, मैंने देखा किस तरह से जनता से उनकी कनेक्टिविटी थी, कैसे रात रात भर लोग उनसे जब चाहते थे बात कर लेते थे और रात में अगर किसी को जरूरत पड़ती थी तो उस जरूरत से लेकर और जरूरत खत्म करने तक मंत्री जी पूरी रात उनकी मेहनत कर रहते थे। तो इसीलिए शायद ये लोग, सादे लोग हमारे साथ इतने लोग खड़े हुए। आपके प्रचार में हम एक खूबसूरती ये देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अहंकार को चोट देनी है और संस्कार को वोट देना है। देखिए, 2017 में बीजेपी के नाम पर यहाँ पर विधायक चुन लिए गए, लेकिन मैं समझता हूँ 5 साल में किसी के दुख सुख में वो विधायक खड़े नहीं हुए। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ पूरी जनता में अगर आप पूछ लोगे, 2-4 चट्टे बट्टों को छोड़ दो, विधायक जी का नंबर मोबाइल किसी का नहीं, किसी के पास नहीं है। विधायक जी ने किसी को अपना नंबर नहीं दे रखा है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होंगे तो उनको गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आएगा तो जनता गुस्सा देख लेगी, इसलिए सोचते हैं कि धीरे से साफी रहो, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। उनको ये लगता है कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव के वक्त पे उनके पिताजी हैं, पिताजी उनका जो है चुनाव की कमान संभाल लेंगे और उनको कहीं ना कहीं उनको चुनाव जिताकर छोड़ेंगे। लेकिन जनता ने एक बार बीजेपी के नाम पर उनको वोट करने का काम किया था, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है। गोंडा से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गोंडा।